हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज अभी हो रही दोपहर और अब जाके खाना वाना खाएंगे भाई फटाफट। तो ठीक है, चलो फटाफट खाना वाना खाते हैं और फिर आज हम जाएंगे। थंबनेल में देख लिया होगा आपने कहाँ जाने वाले हम। मुंबई महाराष्ट्र जा रहे हम। मुंबई महाराष्ट्र, अगर मुंबई महाराष्ट्र नहीं भी गए तो मुंबई महाराष्ट्र के गणेश जरूर देखने जाएंगे। तो गाइज रेडी हो चुका हूँ, फटाफट निकलते हैं कांटेदान के लिए। वहाँ पे भाई एक से एक, मतलब वहाँ पे भी अलग अलग टाइप के गणेश है, मुंबई महाराष्ट्र टाइप के मतलब। और गाइज आज फिर मेरे साथ जा रहा है मेरा भाई रोहित मलिक, जो कि पिछले दो ब्लॉग्स में गया था। कल तो मेरा दोस्त गया था मेरे साथ घूमने के लिए, पर भाई सबसे मतलब बोलते, देखो अभी तक 4-5 दिनों में जिधर मतलब ये गणेश की सीरीज जब से स्टार्ट हुई, जब से सबसे ज्यादा एडिटिंग का टाइम को कल वाली वीडियो में लगा। गाइज कल नागौल में मेरी चप्पल भी टूट गई थी पूरी, देखो मतलब ऐसा है स्पीड, मतलब ऐसा होता है शॉट लेते लेते पीछे आता होता ना, तो बीच में अटक गई कहीं और पटक कर गई के बारे में। तो गाइज मस्त अपना हेलमेट लेते हैं और निकलते हैं कांटेदान के लिए भाई। मस्त मस्त गणेश है कांटेदान में भी। So guys, हम लोग फाइनली आ चुके हैं श्री चौधरी आर्ट्स एंड ट्रेडर, जो कि कांटेदान में भाई लोकेशन ढूंढने में इतनी दिक्कत हुई हद से ज्यादा। और गाइज हम लोग आते देखो भाई नज़ारा देखो, कितने मस्त गणेश है भाई। ऐसे गणेश पूरे अपने धूलपेट ना धूलपेट में गणेश है भाई, मुंबई महाराष्ट्र के जो टाइप के गणेश है ना, वो टाइप के गणेश है यहाँ पे सारे। और अभी देखो भाई दो गणेश का आगमन हो रहा है, शुरू हो चुका है। देखो एक तो ये भाई गणेश की हाइट, गणेश जी की मूर्ति की हाइट देखो, एक तो ये और उसके पीछे अभी तो वो भी गाइज, इसके अलावा ये दूसरी मूर्ति है शायद आगमन, आज दो मूर्तियों का आगमन है अभी। गाइज आपको और अंदर की मूर्तियों और बहुत सारी मूर्तियां गाइज देखो अंदर अभी, तो आपको सभी मूर्तियों गाइज हर मूर्ति अलग अलग डिजाइन की है, तो आपको सारी मूर्ति बताते हैं भाई। अभी ऐसा है पूरा मोस्ट ऑफ द गोडाउन खाली हो चुका है भाई। मेरे को एक्चुअल में मेरे को पता नहीं था इस लोकेशन का पहले, मतलब मैं नॉर्मली मैं धूलपेट वगैरह हर जगह कवर कर लिया, तो मैं कभी भी मेरे को आज ही मालूम पड़ा था कि शाम के टाइम अभी थोड़ी देर पहले कि भाई कांटेदान पे ऐसे मुंबई महाराष्ट्र स्टाइल के गणेश बनते। तो बोला बिना किसी देरी के भाई फटाफट रेडी हो निकल गए। तो गाइज फटाफट शुरू करते हैं वीडियो मस्त आपको। गाइस पहले जितने भी बाहर के गणेश सारे कवर करते हैं, उसके बाद चलेंगे शेड के अंदर। गाइज इतनी सारी बड़ी बड़ी मूर्तियों के बीच में भाई मुझे क्या दिखाई है, देखो इतनी छोटी सी मूर्ति बिल्कुल देखो मस्त। और इसमें आपल्याला फक्त दोनच गोष्टी आवडतात, गणपतीची गाणी आणि आपला लाडका। गाइज यहाँ पे आप लोग को सिमिलर पीस एक भी नहीं मिलता भाई, मतलब अलग अलग पूरे अलग अलग पीस है भाई, मतलब एक नंबर भाई। मुंबई बोलते देखो अब ऐसा दिख रहा, हाँ भाई अपने यहाँ पे भी इतने इतने मस्त मस्त गणेश मिलते, मेरे को लिटरली नहीं मालूम था, आज मालूम पड़ा भाई, आज की आज मैं आ गया यहाँ पे मस्त भाई। कितने अभी तो पूरे गणेश जा लिए, अभी आया ना गणेश लेने आए, नहीं देखने के लिए आया। अच्छा देखने के लिए। तो गाइज ऐसा सीन है यहाँ का पूरा, इतने सारे गणेश है, 70% ऑफ द गणेश अभी डिलीवरी हो चुकी है बोल के बोल रहे थे वहाँ पे बाहर,
तो मतलब अभी तो बहुत कम हो गए गणेश, नहीं तो नॉर्म पहले तो ये पूरा यहाँ पूरा फुल था, ये पूरी लाइन फुल थी यहाँ पे, ये पूरी लाइन और उस साइड वाली पीछे की लाइन पूरी फुल थी। तो भाई कोई ना, देर आए दुरुस्त आए पर आए। और गाइस यहाँ भैया मेहनत करते हुए फुल गणेश भगवान की गद्दी बनाते हुए। पीछे वाला सबसे बड़े वाला वो शिव जी वाला कितने फीट है? वो 14 फीट है। हाँ बैकग्राउंड ले के 16 फीट है। नहीं नहीं बैकग्राउंड मिला के, बैकग्राउंड मिला के 16 फीट। अपने पास सबसे बड़ा, सबसे बड़ा गणेश कौन सा बैकग्राउंड मिला के? 18 फीट जालिया चलेगा। हाँ वो बाहर में है। अच्छा एक बाहर जो खड़े हैं। तो गाइज अभी अपन एक बाहर गणेश देख रहा हूँ भाई, सबसे बड़ा गणेश यहाँ पे है 18 फीट का। तो गाइज अपन बाहर कवर कर लिया गणेश। गाइज एक्चुअल में यहाँ पे जेन्यून हाइट बताई जा रही है। देखो नॉर्मली अपन जब धूलपेट वगैरह इधर उधर जाते ना, वहाँ पे जेन्यून हाइट नहीं रहती कभी, है ना भाई? यहाँ पे जेन्यून हाइट है भाई पूरी, नहीं तो नॉर्मल भाई इतने से अगर आप कहीं और चले जाओ ना इतने से गणेश को तो भाई 20 फीट बना दे धूलपेट इधर उधर। तो पर यहाँ पे भाई जेन्यून हाइट 18 फीट है तो 18 फीट, 16 है तो 16, 17 है तो 17, मतलब जेन्यून जो फीट्स होती है ना वो उसमें गिना जाता है। तो गाइज यहाँ पे बस्ती में भी ये जो बड़ा गणेश है ना बस्ती में बैठता है, तो चलो सही है गाइज मस्त। इतने सारे भाई पूरे कवर्ड हो गए गणेश बहुत। मोहित मलिक ब्लॉग्स चैनल पर पूरी सब्सक्राइब चेसुकोंडी। ओके अच्छा एक भाई सब्सक्राइबर बढ़वाने चाहिए भाई, आप लोग भी देख रहे हो तो गाइस फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही मतलब गणेश आगे आगे गणेश के इवेंट पूरे स्टार्ट होने वाले हैं, 9 दिन 11 दिन पूरे गणेश बैठने वाले हैं भाई, पूरी कवरेज करेंगे। अभी और 5 दिन 6-7 दिन बचे हुए हैं गणेश स्टार्ट होने में, तो भाई जब तक भी मस्त मस्त जगह पे जाएंगे। ऑलरेडी मेरे पुराने ब्लॉग्स अगर आपने नहीं देखे तो जाके फटाफट मेरे पुराने ब्लॉग्स वॉच करिए, धूलपेट नागोल एक से एक सिनेमैटिक शॉट्स है गाइज। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है, देखो यहाँ के तो पूरे भाई हो रखे हैं, पूरे ढक रखे हैं, जो भी मोस्ट ऑफ द गणेश ढक रखे हैं, जो नहीं ढके हुए भाई आपको बता दिए वीडियोज़ में। तो गाइज अपन एक्चुअल में जो ऐसा वीडियोज़ में देखते ना मुंबई के मास्तक, मुंबई के महाराष्ट्र टाइप के गणेश वीडियोज़ में देखा था, फर्स्ट टाइम रियल लाइफ में देखो तो भाई मतलब ऐसा खुशी सी हो रही भाई मस्त। गाइज ये भी देखो मस्त सिंहासन टाइप का गणेश है मस्त। गाइज यहाँ से मोस्ट ऑफ द गणेश पूरे रात के टाइम पे निकलते हैं, क्योंकि भाई इतने बड़ी मूर्ति को सिटी में से लाना कोई आसान बात नहीं है। हेलो भाई कैसे हो? गणेश लेने आए? कौन सा? देखने आए। अरे गाइज तो हमारे अंकल जी आए हैं ये गणेश की डिलीवरी लेने। ये जो गणेश है अंकल जी का गणेश, कब लेके जा रहे हैं अंकल गणेश? कल सुबह। कितने बजे? 7 o'clock। तो गाइज भैया और का गणेश हमारे कॉलेज के पास हिमायत नगर पे बैठता, तो भैया मिलने आएंगे आपसे, ठीक है ना? हरी सिंह भैया का नाम है, अपने हिमायत नगर पे HDFC बैंक के पास जाके कवरेज भी करेंगे, भैया आएंगे आपसे मिलने, ठीक है ना? हेलो हाय, क्या नाम है आप लोग का? वंशी शरण शिवा। शिवा तेजू। तेजू वंशी शरण तिवा शिवा तेजू, सही है ना भाई? ये गणेश देखो मस्त। गाइज अभी गणेशों का अभी आइस का काम अभी बाकी है, देखो जितने भी है पूरे मोस्टली आइस का काम, सिर्फ आइस का काम ही रोके से पूरों का। तो ठीक है अभी यहाँ पे मतलब ये वर्कशॉप है भैया की, मेन गोडाउन था आप लोग का, ये रहा देखो ये मेन है और ये पीछे मेरे पीछे वर्कशॉप। यहाँ से ये जो मैं बाहर आते समय बताया था ना, ये गणेश अब जाने वाला है, तो भैया और की चल रही है पूजा। तो गाइज भैया और की मस्त चल रही है पूजा। तो गाइज इस गणेश की डिलीवरी भैया लेने आए हैं, तो भैया आपके साथ कितने लोग आए हैं गणेश की डिलीवरी लेने? हमारे साथ 15-20 लोग। 15-20 लोग कहाँ लेके जा रहे हैं भैया गणेश? सिरसिला। बहुत दूर है भाई सिरसिला तो, मतलब कब निकलोगे आप यहाँ से? अभी अभी निकलोगे, कल तक पहुँच। कल सुबह? हाँ सही है। पे और आपके मतलब आपके मंडप पे और क्या स्पेशल है भैया वहाँ पे? मतलब हमारा क्या है कि हमारा पूरा स्कूल ग्रुप है। स्कूल ग्रुप है? ओ नाइस। 50 लोग? हाँ पूरे मिलके बिठाते? पूरे मिलके बिठाते 50 लोग। हाँ भाई। कितने ईयर से बिठा रहे भैया आप लोग? 6th ईयर है। सही है। के एसोसिएशन का नाम क्या है भैया? आकृता मंडप। आकृता मंडप एसोसिएशन सिरसिला से है भैया। कितने साल से ले रहे हैं यहाँ से गणेश? श्री चौधरी ट्रेडर्स से। ये पहले साल था? फर्स्ट टाइम है ये। हाँ। इससे पहले कहाँ से ले? इससे पहले धूलपेट से लिया। धूलपेट से, चलो सही है भैया। तो गाइज ये भैया के गणपति जी मस्त, आपको स्टार्टिंग के ब्लॉग के स्टार्टिंग में बताया था ये एंटर होते होते यही गणपति जी है, अभी इनका आगमन होने वाला है। गाइज फाइनली गणेश जी की मूर्ति विराजमान हो चुकी है DCM के ऊपर, फिर अभी भैया और निकलेंगे सिरसिला के लिए, भैया और से आखिरी बार मिल जाते हैं अन्ना सारे गलत नाम। गाइज हम लोग निकल ही रहे थे इतने में यहाँ का अभी एक और एक दूसरा आगमन भी होने वाला है गणेश जी का, तो ये वाली वीडियो भी बना के निकलते हैं यहाँ से। तो गाइज भैया और पीछे ठहरे हैं सपोर्ट के लिए, क्योंकि गणेश आगे की तरफ ना जाए।
गाइज अभी जो गणेश यहाँ पे डीसीएम पे रखा गया है वो भैया और का है, कुत्ता कोटा जा रहा है। भैया है आपके एसोसिएशन का नाम क्या है भैया? जय गणेश मित्र मंडली K9। जय गणेश मित्र मंडली K9। भैया और के एसोसिएशन का नाम है, कोटा कोटा जा रहा है भैया गणेश। कब तक पहुंच जाएगा भैया कोटा कोटा? अभी 5 घंटे 6 घंटे 5 घंटे घंटे रातों रात चले आता चले। आपका मतलब कितने साल से भैया, कितने साल से बिठा रहे हैं आप लोग? कम से कम 10 साल से बैठे। 10 साल से कंटिन्यू? मतलब इससे 5 साल के इनके साथ लेके जा रहे हैं, 5 ईयर से कंटिन्यू यहीं से चौधरी। तो गाइज भैया से मिलकर अच्छा लगा, तो ठीक है भैया। तो गाइस फाइनली गणेश जी विराजमान हो चुके हैं गाड़ी में, भैया से बात करके भी अच्छा लगा। लोग आ चुके हैं घर, तो भाई ऐसा था मस्त भाई, फर्स्ट टाइम में मेरी लाइफ में मुंबई महाराष्ट्र के गणेश लाइव देखा। मतलब मेरे को एक ऐसा सपना था कि मैं मुंबई महाराष्ट्र के गणेश जाके देखूं, पर किसको पता था कि भाई हैदराबाद में ही अपने अवेलेबल है वो चीज़। तो भाई मस्त एक नंबर के गणेश थे, और वो भी एक दो नहीं देखा भाई, कम से कम 40-50 गणेश देख के आया मैं सेम, मतलब अलग अलग मॉडल्स में। तो सही है गाइस, अभी घर पे आ चुके हैं, मस्त खाना बन चुका है, आलू की सब्जी रोटी, मम्मी पापा, आजकल मम्मी पापा और हमारे व्लॉग्स में, क्योंकि गाइस मैं पूरा दिन ऐसा रह रहा, मैं पूरा दिन मेरे कामों में बिजी रह रहा हूँ, व्लॉग्स एडिट करने में और बाहर बाहर जाने में, एडिट करने में, मतलब पूरा बिजी रह रहा हूँ। तो भाई चलो फटाफट खाना खाते हैं, भूख लग रही है फुल। तो ठीक है गाइस, इस व्लॉग को करती है यहीं पे एंड। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करो। मिलते कल आपसे नए व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, बाय। This crazy world I don't